आज हम बनाएंगे होममेड पास्ता बटरफ्लाई शेप, जो कि बहुत ही मजे का बनता है और जल्दी से इजी सा बन जाता है। इसके लिए हमें चाहिए सूजी और पानी, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। आपको 1 पाव सूजी है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, लिटिल लिटिल वाटर ऐड करके हम उसका एक डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि शुरू में जब सूजी में पानी डालते हैं ना तो वो कम्बाइन नहीं हो रही होती है, ऐसे लग रहा होता है कि बस ऐसे बिखरी बिखरी सी है। बट डोंट वरी, आप जब उसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हाथ से कम्बाइन करते रहेंगे ना तो वो डो की शेप लेना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपने। और मैंने इसीलिए ये सारा आपको प्रोसेस दिखाया स्पीड तेज करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे वो डो की शेप ले लेगा, ठीक है। और ये देखें, अब हमारा डो रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा पानी लगा के मैं इसको गीले कपड़े से ढांप के रख दूंगी। 15 से 20 मिनट आपको इसको रेस्ट जरूर कराना है, ताकि ये थोड़ी सी स्ट्रेची हो जाए और, ठीक है। और इसको बस अब हम रख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक पेड़ा बनाएंगे। उसके लिए आप मैदा या गंदम का आटा, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल आटा है, वो यूज़ कर सकते हैं। पेड़ा बना लेंगे और उसको हम अच्छे से बेल लेंगे, ठीक है। आपने बेलते हुए ख्याल रखना है कि जितना पतला आप हो सके इसको कर लें, ठीक है। जितना ज़्यादा पतला कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा और जल्दी कुक हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब इसको हम बेलते जाएंगे और बड़े अच्छे से ये बेला जाता है, क्योंकि स्ट्रेची हो जाता है ना इसका स्टफ़ कह लो, तो टियर नहीं होता नॉर्मली। तो इसको अच्छे से आप बेल लेंगे, सारी साइडों से पतला कर लेंगे और इसको ज़बरदस्त सा कटर से काट लेंगे। तो कटर हमें मिल नहीं रहा था, जब ज़रूरत हो तो आपको तो चीज़ मिलती ही नहीं, छुरी से मैंने इसकी स्ट्राइप्स काट लेंगे। पहले हम वर्टिकल लाइन्स काटेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स काटेंगे। पास्ता को आप फ़ौरन से ऐसे बना के भी हम खाएंगे, बॉईल करके खा सकते हैं, या हम इसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से सुखा लें आप, फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जब बनाना और निकाला और बॉईल किया और पका लिया। अच्छा, ये देखें, आप इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर ये हमारे पास छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स आ जाएंगी, और जिनको हम बड़े ही आसानी से फोल्ड करके क्या बना देंगे, बटरफ्लाई शेप। अच्छा, इसकी डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हैं, लेकिन ये शेप जो है ना, एक तो इजीली बन जाती है और दूसरा कुक भी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं तो अब इसी शेप को प्रेफर करती हूँ। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है देख के बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से आपने ना इन रेक्टेंगल्स को फोल्ड कर देना, ये देखें, बस इतना सा काम है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि पानी उबलने के लिए चढ़ा देंगे, और ये ताज़ी बनी हुई बटरफ्लाई जब पानी उबल जाए तो उसमें डाल देंगे। उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, एंड दैट्स इट। इसको बॉयल होने में तकरीबन कह लो कि 10 से 15 मिनट लगते हैं, और आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको नॉर्मल, जैसे पास्ता हम कुक करते हैं ना, वैसे आप कुक कर लेंगे। अब आप लाइक करेंगे जल्दी से मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ज़रूर कमेंट में बताएंगे किस किस का पास्ता फेवरेट है, और घर पे बना पास्ता कभी ट्राई किया है आपने? अगर किया पहले तो ज़रूर बताएंगे कैसा आपको उसका टेस्ट लगता है। कल एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।